और उसमें ये हुआ कि हमारे जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं शबाज शरीफ साहब उन्होंने एक तकरीब में मौजूद थे उसमें वो स्पीच करे थे उसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पे बड़ी तफसीली गुफ्तु की और उन्होंने ऑफर किया कि इंडिया को डायलॉग के लिए टेबल टॉक के लिए हम अपने जो सारे हैं वो कॉन्फ्लिक्स जो है उनको अगर सॉल्व किया जा सकता है तो पीसफुल रेजोल्यूशन की बात की साथ ही उन्होंने अपनी जो है न्यूक्लियर पार्क की बात की अच्छा इसी के साथ ये भी हुआ कि साथ ही

ये बात इस तरह लेनी चाहिए ठीक है दुरुस्त है ये बात जो है ये आज ही दुरुस्त है कि हम साया मुल्क नहीं करना चाहता जो कि उसकी जरूरत नहीं बनती ये जो सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस है हुँ. जो रीजन उन्होंने पेश किया है यही रीजन हम बहुत अरसे से पेश कर रहे हैं कि इस वक्त जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो किसी भी तरीके से अमन की बात है या तल्लुक बेहतर बनाने की बात है वो जरूरत पाकिस्तान की ज़्यादा बनती है इंडिया की नहीं बनती और इस वक्त का जो लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया इससे मराद हर दौर में तकरीबन यही सिचुएशन रही है कि हर दौर में जो लोग इन चीज़ों पे बात करते रहे वो यही कहते रहे कि इस वक्त जरूरत जो है वो पाकिस्तान की या इंडिया की नहीं है जहाँ तक इना रबानी का ताल्लक है लेकिन इसका उन्होंने अब जो उल्टा की पेश यानी इससे मैसेज ये देने की कोशिश की है कि हम जो तैयार हैं जी लेकिन वो बात नहीं करते विच इज टोटली इनकरेक्ट ये स्टेटमेंट किसी भी तरीके से दुरुस्त नहीं है कि एक सच्चाई को मान के तो फिर उस सच्चाई को दूसरी सच्चाई के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए मान लिया जाए असल सच्चाई ये है के उन्होंने जो बात की है उसमें जरूरत जो है वो बहरहाल पाकिस्तान की बनती है और हर दौर में बनती थी और अब जो हाल हो गया है वो तो मजीद बनती जा रही है तो इसी के साथ अगर आप शहबाज शरीफ की बात को जोड़ के देखें एज ए प्राइम मिनिस्टर जो उन्होंने बात की है तो उसमें मैं तो वो वीडियो जो है वो पूरा तो मैं नहीं देख सकता लेकिन उन्होंने गालिबन अगर मैं सही हूं तो मसला कश्मीर का जिक्र नहीं किया है उन्होंने कहा है कि इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जो भी मामलात हैं तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना एक जंप है और एक बहुत बड़ी खबर है कि किसी भी फोरम पे खुआ वो छोटा हो या बड़ा हो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंडिया का नाम ले और उसमें कश्मीर का नाम ना ले तो ये होता नहीं था नॉर्मली तो इस हवाले से ये जो है ये पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जिन्होंने ये बात की है लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो चंद दिन के प्राइम मिनिस्टर रह गए हैं एक देखें इसमें जो खास बात होती है इंडिया का हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि हम पाकिस्तान से बात किससे करें आप किसी भी प्राइवेट महफिल में उनसे अगर पूछें तो उसका जवाब उनके पास यही होता है कि हम तो बात करने के लिए तैयार हैं लेकिन बात किस से करें क्योंकि वहाँ जो हुकूमतें हैं हमें बात करने के लिए कहती हैं पहली बात यह है कि उनके फ्यूचर के बारे में कोई बात सर्टेनिटी के साथ नहीं कही जा सकती कि वो कितने अरसे के मेहमान हैं और दूसरी बात यह है कि क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो उनसे अगर कोई बात की जाए तो वो बात को इम्प्लीमेंट कराने की पोजीशन में हैं या नहीं है ये जो है ना एक लॉन्ग स्टैंडिंग किस्म का इंडिया का स्टैंड रहा है और इस वजह से बड़े बड़े इम्पॉर्टेंट तरीन जो डिवेलपमेंट हुई थी इंडिया पाकिस्तान के दरमियान पीस टाक्स के हवाले से या इंडिया पाकिस्तान के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के हवाले से वो रहते वो हल होते होते रह गए अब यहाँ पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके पीछे जाहिर है जो लॉजिक है वो यही है कि दो किस्म की हुकूमतें जो हैं ये इस मौजू पे बात करती रही एक जिनका जो है वो फ्यूचर बहुत ज़्यादा अनसर्टन था कि इनको किसी वक्त भी जो है वो टापल डाउन कर लिया जाएगा तो इंडिया का ये मौकफ रहा है कि इनसे बात करने का फ़ायदा क्या है कि जब इन्होंने रहना ही जो है वो इतने लिमिटेड टाइम के लिए है और ये शहबाज शरीफ के मामले में तो ये बात सौ फीसद दुरुस्त है क्योंकि ये दिनों या महीनों की बात है जो वो खुद बार बार अनाउंस करते हैं कि ये हुकूमत जो है वो ग्यारह को चली जाएगी या बारह को या अगले महीने में लेकिन इज अ मैटर ऑफ वीक्स एंड मंथ तो, तो उसमें ये जो टास्क होती हैं बात करने की इस पर तो कई महीने तो सिर्फ आपको जो गुफ्त शनीद का प्रोसेस होता है उस पर लगते हैं और कई महीने आपको उसकी तैयारी के लिए लगते हैं और ये नहीं कोई आप जस्ट जाते, जाते जाते जो है वो इंडिया के साथ भी एक बात करें ऑनलैस के बैकग्राउंड में उन्होंने कोई बातें की हुई हैं जैसा कि पहले सबक प्राइम मिनिस्टर के दौर में हो रही थी कि उन्होंने जो है आल दो के वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था लेकिन उनके दौर में एस्टेब्लिशमेंट जो है वो इंडिया के साथ बहुत सारे मामला तय कर चुकी थी लेकिन उसकी जो फाइनल डिस्प्ले होना था मोदी साहब के दौरे की वजह से वो नहीं हो सका जिसकी वजह से मामला रुक गया तो ये जो है ये एक पाकिस्तान की बहुत बड़ी कमजोरी है कि यहाँ के, के हुक्मरान तबकात जो हैं वो उस वक्त इंडिया से किसी ताल्लुक बेहतर बनाने के हवाले से या पॉजिटिवली बात करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा जो है उनके पास या टाइम बहुत कम रह जाता है या उनकी जो क्रेडिबिलिटी और इम्प्लीमेंटेशन का जो पावर्स होती हैं वो खत्म हो चुकी होती है इसको अगर आप हिस्टोरिक देखें हिस्टोरिकली तो तीन ऐसे हुक्मरान थे जो पाकिस्तान में इस पोजीशन में थे कि वो मसला कश्मीर समेत इंडिया के साथ तमाम मामला तय कर सकते थे उनको अवामी हमायत भी हासिल थी उनकी क्रेडिबिलिटी भी थी और उनके पास टाइम भी था और उन्होंने ये प्रोसेस स्टार्ट भी किया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको जिनको मैं ताकतवर तरीन हुक्मरान कहता हूँ वो भी इसको जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन का ताल है उस पर वो बुरे तरीके से नाकाम हुए उसमें पहले नंबर पर अयूब खान थे तो ऐब खान जिनको आपको पता है कि वो एक मोस्ट पावरफुल उस वक्त के हुक्मरान इस हिसाब से थे कि वो उन्होंने खुद अपने आप को फील्ड मार्शल भी बना दिया था अपने आप को सदर भी जो है वो अलेक्ट करा लिया था और जाहिर है कि फौज के चीफ भी थे वो तो पाकिस्तान के यही उस वक्त जो है वो पावरफुल हल्के थे जिनको वो कम्प्लीटली अपनी गिरफ्त में ले चुके थे और वो इस पोजीशन में थे कि वो कुछ भी जो है इम्प्लीमेंट कराने के लिए तैयार थे जो आदमी फातमा जना के ख़ जो लोगों की यादाश्त के लिए आ, कायद अजम मोहम्मद अली जना की बहन थी एक पॉपुलर पॉलिटिशियन थी और पाकिस्तान के बड़े बड़े पॉलिटिशियन उस वक्त ईस्ट और पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में उनके साथ खड़े थे जो शख्स उनके खिलाफ धांधली करा सकता है और धांधली के जरिए मुंतखब होकर लोगों को ये मनवा सकता है कि ये इलेक्शन फेयर हुए और कुछ अरसे तक वो इलेक्शन चल भी सकते हैं और फिर इसी प्रोसेस में वो पाकिस्तान को इंडिया के खिलाफ जंग में भी झोंक सकता है और इसी प्रोसेस में वो इंडिया के से जंग हारने के बाद हैं। जो है वो अपनी हार को जीत के तौर पे जो है वो अवाम से मनवा सकता है जो आज तक चल रहा है ऑब्वियसली 65 की जंग इस पे कोई दुनिया का कोई हिस्टोरियन कोई गैर जानबदार बंदा ये नहीं कह सकता कि ये जंग पाकिस्तान हारा नहीं था लेकिन अयूब खान ने जो नेरेटिव जो है अवाम से मनवाया वो ये था कि इंडिया भाग गया और हार गया है जंग हालांकि इंडिया जो है वो लाहौर पहुंच गया था और ये सारी दुनिया के साथ इन्होंने जाके अपीलें कर करके यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को इन्वॉल्व करके अभी जो जो डॉक्यूमेंट डी क्लासीफाई हुए हैं इंडिया और पाकिस्तान के हवाले से वाशिंगटन में आप जाके उनको देखें कि क्लियरली इन्होंने जाके अमरीकी से ये अपीलें की कि ये किसी तरीके से जंग जंग बंद करा दें ताकि मजीद जो है वो आगे इंडिया को बनने का वो न हो तो वो आदमी जो है वो मसलाए कश्मीर के हवाले से इंडिया के साथ जो दीगर तनाज़े थे उनको हल करने की पोजिशन में था लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका और बिलाखुर उसके खिलाफ भी एक सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो गई दूसरे जुल्फकार अली भुट्टो थे सेवेंटी में जो पाकिस्तान को शिकस्त हो गई थी बांग्लादेश में और जो फौजी कैदी बने थे उसकी वजह से फौज पे उनकी गिरफ्त बहुत मजबूत हो गई थी क्योंकि फौज उस वक्त जो है उसके मराल डाउन हो के तो दीवार से लग गई थी एस्टेब्लिशमेंट पे उनका पूरा कंट्रोल था पाकिस्तान की जो वेस्ट पाकिस्तान की मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी के तौर पे जुल्फ़कार अली उभरे थे पहली दफ़ा और उस हवाले से एक राय भी ये थी कि जी एक जो है एक पॉलिटिशन इलेक्शन जीता है और उसके पास एक पॉपुलर पॉलिटिकल पार्टी है और उसने एस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई हैं तो इसलिए वो कोई भी फैसला करे तो अवाम मान सकते थे लेकिन उन्होंने कश्मीर इशू डिस्कस जरूर किया उसकी तकसीम की एक अन नेचुरल तकसीम की बात की और वापस आके उसको जब इम्प्लीमेंट कराने की उन्होंने कोशिश की तो उसमें वो बुरे तरीके से नाकाम हुए हालांकि शिमला मायदा में मायदा होने की वायद वजह यही थी अब लोग ये पूछते हैं कि इंदिरा गांधी का क्या प्रॉब्लम था जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के उन्होंने जंग जीती थी नब्बे हज़ार पाकिस्तानी फौजी क़ैदी बना लिए थे बांग्लादेश उसके साथ था पाकिस्तान में वेस्ट पाकिस्तान के बार्डर्स पे वो हमला करने की पोजीशन में थी पाकिस्तान एक शिकस्त खोरदा और एक हारे हुए मुल्क के तौर पर उसके सामने बैठा था तो टेबल पर तो उसका प्रॉब्लम क्या था कि उसने जो है वो पाकिस्तान की शरात मान ली और उनके साथ समझौता करके शिमला कार्ड। तो उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था कि जुल्फकार अली भट्टो ने इंदिरा गांधी को ये यकीन दिलाया था कि वो पाकिस्तान इज़ ए न्यू कंट्री अब हम पुराने लोग नहीं रहे हैं हम डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोग हैं जो इस वक्त पाकिस्तान चला रहे हैं और अगर आप इस वक्त हमारे साथ कोई सख्त रवैया इख्तियार करेंगे मुझे कुछ ऐसी चीज़ नहीं देंगे जो मैं लेके वापस पाकिस्तान जाऊँ तो यही जो एस्टेब्लिशमेंट है जो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहा है डेमोक्रेसी के खिलाफ ये दोबारा जो है वो मजबूत हो जाएगी और ये हमें टापल डाउन कर देंगे इसलिए आप मुझ पर अतमाद करें आप हमारे साथ ये माह करें कि हम इंडिया पाकिस्तान के दरमियान जितने इंक्लूडिंग कश्मीर इशू वो रिजॉल्व करेंगे और मैं जाते ही पहला काम यही करूँगा ये उन्होंने उनको अंडरटेकिंग दी जिस पे बाकोल इंदिरा गांधी के कि उसने इंडियन सब कॉन्टिनेंट में डेमोक्रेसी के इंटरेस्ट में ये डिसीजन किया कि जी हम कैदी भी रहा कर देते हैं पाकिस्तान के साथ शिमला अकार्ड भी साइन कर देते हैं लेकिन जुल्फकार अली जब वापस आए तो अपनी ताकत के पीक पे होने के बावजूद जो तकसीम कश्मीर का फार्मूला ब्लंटली उन्होंने पेश किया के जी चूँकि शिमला माहे का मतलब ही ये था कि दोनों हरब डिस्प्यूट इंक्लूडिंग मसला कश्मीर हम हल करेंगे तो उनको ये नज़र आया कि इसका हल जो है वो सिर्फ तकसीम का है कि जो हमारे पास है हमें रहने दो जो आपके पास है आपके पास रहने दो तो उसके जवाब में फिर उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा रिबेलियन हुआ मीरपुर में उनके खिलाफ बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ लोग सड़कों पे आ गए और लोगों ने कहा कि जी बच्चा बच्चा कट मरेगा लेकिन कश्मीर जो है उसको हम तकसीम नहीं होने देंगे कश्मीर सूबा नहीं बनेगा उस वक्त गुल्फार अली भोटो ने मसला कश्मीर का हाल ही निकाला कि कश्मीर को सूबा बना दें और उधर जम्मू कश्मीर इंडिया के पास जो है वो इसी तरह उनके पास हो तो मामला ख़त्म लेकिन इसके खिलाफ लोगों ने उनको आगे नहीं बढ़ने दिया तीसरे नंबर पे इस पे जनरल परवेज मुशर्रफ थे जो जो है कमांडर इन चीफ भी थे पाकिस्तान आर्मी के प्रेजिडेंट भी थे जिनको जो है वो पार्लियामेंट और आपकी जो है वो अदलिया ने भी लेजिटिमेसी दे दी थी उनके इलेक्शन को जजिस ने और उसके बाद मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन के तौर पे अपनी जगह भी बना चुके थे लेकिन उनका जो चार नकाती फार्मूला था कश्मीर इशू पे लेके जिसको वो ले आगरा गए और अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक अमन पसंद शख्स जो है वो उनको उस वक्त में असर था जिसने पहले नवाज शरीफ के ज़माने में लाहौर का दौरा करके ये कहा था कि हम पाकिस्तान के साथ हर किस्म के मामला तय करने के लिए तैयार हैं इसके बावजूद दो दिन आगरा में घूमने फिरने के बावजूद परवेज़ मशरफ जो है वो इस मामले में कोई ठोस पेशकदी नहीं कर सके उसकी वजह क्या थी कि उसकी वजह भी यही थी कि उनका इंटरनल जो एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और पाकिस्तान में जो वार मोंगर और इस तरह के लोगों की एक लाबी थी अलग बात है कि बाद में उन्होंने कहा कि जी चूंकि ये मेरा फोरनकाती फार्मूला था जिसको इंडियन जो कैबिनेट है उसने अप्रूव नहीं किया इसलिए बात आगे नहीं बढ़ सकी हालांकि इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि इंडियंस ने उनके सामने ये शर्त रखी थी कि अगर आप सेंसियर सं, हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पीस के लिए तो आप सबसे पहले जो है वो ये जो क्रॉस बार्डर इन्फिल्ट्रेशन है और ये जो दहशत गर्दी है इसके खिलाफ पोजिशन लें जिस पे जनरल मुशर्रफ पोजिशन लेना नहीं चाहते थे कि क्या हम ये मिलिटेंसी को और क्रॉस बार्डर इन्फिल्ट्रेशन को ख़त्म करने के लिए तैयार हैं या नहीं और ये बात किए बगैर वो अपना चार नकारती फार्मूला जो है वो इंडिया से मनवाना चाहते थे जिसकी वजह से ये एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ और जाहिर है अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको कहा कि ये मुमकिन नहीं है कि आप एक तरफ दहशतगर्दी भी जारी रखें और दूसरी तरफ क्या अमन की बात भी करें ये दोनों चीज़ें जो हैं अगाठी नहीं चल सकती और आज भी ज़ाहिर है इंडिया की एक बड़ी स्टेटमेंट है कि दहशत गर्दी भी और अमन भी दोनों अगठे नहीं चल सकते लेकिन पाकिस्तान का आज तक वही रवैया वही है चूंकि ये बुनियादी तौर पर मुशर्रफ का ही रवैया नहीं था बल्कि एस्टेब्लिशमेंट का भी रवैया था और वो रवैया ये है कि नहीं जी दहशत गर्दी पर जो टर्म्स और कंडीशंस आप हम पे लगा रहे हैं वो हम पूरी नहीं कर सकते लेकिन हम अमन के लिए तैयार हैं या ये है या फिर ये है कि जब ये कहते हैं कि हमारा कोई प्री कंडीशन है ही नहीं पीस के लिए लेकिन जब भी इसकी नीतिग्रीटी पर बात जाती है तो कहते हैं जी पहले कश्मीर पर ये करें या फलां कंडीशन जो है वो पूरी करें हालांकि इधर से जो मिनिमम कंडीशन है दहशत गर्दी की और जो हर जी शोर आदमी जिसकी सपोर्ट करेगा इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जाहिर है किसी तरह के अमन के लिए जो है एक दूसरे के साथ तजारत के लिए आमदोरफ़्त के लिए या किसी भी सतह पे अवाम की सतह पे इंटरेक्शन के लिए सबसे पहले जो है वो दोनों मुल्कों की सेफ्टी और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा इशू है और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा इशू दहशत गर्दी क्रॉस बार्डर इन्फिल्ट्रेशन लिटेंसी और इस तरह के मसाइल हैं तो इसको सामने रखते हुए जब आप देखें जो आज की प्राइम मिनिस्टर ने बात की वो ये की कि हम जी अमन के लिए तैयार हैं बात करने के लिए तैयार हैं और बातों बातों में ये भी बता दिया कि हमारे पास न्यूक्लियर हथियार हैं अब एक तरफ तो आप अमन की बात करें दूसरी तरफ न्यूक्लियर हथियारों की धमकी दें हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अब वही पुरानी गेम जो है उसको रिप्ले कर रहे हैं। सही सर बड़ा जबरदस्त आपने सारा तारीखी उस पैराई में तजिया किया है सारा जो हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है ये इस हवाले से लेकिन ये जो अभी आपने बात की ना तो मैं आपको इसलिए रोकना चाह रही थी कि मेरा भी इसके सवाल ये है कि दुनिया का वो कोई भी कंट्री ऐसा नजर नहीं आता जो बार बार अपनी हर स्पीच में प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर या डेप्टी फॉरेन मिनिस्टर कोई भी स्पीच कभी भी कोई लीडर करेगा यास्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई बात होगी तो उसमें ये बात लोगों को दुनिया को बताई जाएगी कि हम न्यूक्लियर पावर है हम किसी और कंट्री को ऐसा करते हुए नहीं देखते जो जिनके पास ये ताकत है आखिर क्या वजह है कि हम इकोनॉमी हमारी जो इकोनॉमी की सिचुएशन है वो तो बड़ी खराब है तो फिर क्या इसका कोई फायदा है हम ये क्यों नारा लगाते हैं ये कि हमारे पास सैनिट की ताकत है हम देखें जी इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तान में एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी और इनफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स जो है ऐसा से कमजोरी वो बहुत बड़े पैमाने पर पाया जाता है जाहिर है पॉजिटिवली इस वक्त जो है पाकिस्तान के पास ऑफर करने के लिए कुछ नहीं है आप ये देख लें कि इस वक्त जहां पाकिस्तान की Uh, जो एकनॉमिक सिचुएशन है वो एक डिज़ास्टर की शक्ल इख्तियार कर गई है और दूसरी तरफ जो है वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पूरी तारीख में सबसे जो है खतरनाक तरीन शक्ल में मौजूद है इस वक्त वहाँ ये जो इस काले कानून बन रहे हैं डेमोक्रेसी को जिस तरह वाइंड अप कर दिया गया है और शहरीों के फंडामेंटल राइट्स और शहरी आज़ादियों पे जिस तरह इसल्ट किया जा रहा है असम्बली के अंदर जिस तरह बगैर किसी डिबेट के इवन बग़ैर डिस्क्लोजर के जो है वो बिल पेश किए जा रहे हैं जो डायरेक्टली आवाम के फंडामेंटल राइट्स पे हमला हैं या पॉलिटिशियंस के डेमोक्रेटिक राइट्स पे हमला हैं एक ऐसा पाकिस्तान जो इस तरह की अनसर्टेनिटी, एक इंतई मायूस कन किस्म की सिचुएशन में हो और फ्यूचर के बारे में एक किस्म की मायूसी जिस पे तारी हो वो जो है किसी मुल्क के साथ ताल्लुक की बात करे ठीक करने की और उसके साथ ये बात करे कि हमारे पास न्यूक्लियर बम भी है तो इससे आप उसकी सिंसियरिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब न्यूक्लियर बम को इंडिया को ब्लैकमेल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि अगर आप हमारे पास अमन कायम करना चाहते हैं हमारे साथ तो कायम करें वरना हमारे पास ये ऑप्शन भी मौजूद है ये एक तरह की खुली इसको हिडन नहीं बल्कि खुली धमकी के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है आप कहते हैं जी जो बाकी मुल्कों के पास न्यूक्लियर ताकतें हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है रूस है चीन है बर्तानिया है कि कोई भी जो मुल्क जिसके पास है न्यूक्लियर हथियार कभी आपने सुना है कि कहीं उन्होंने न्यूक्लियर हथियार का नाम तक लिया हो एक तो होता है ना कि ये पीस और वार के डिबेट में आप न्यूक्लियर हथियार को लेकर आते हैं तो इसका मतलब ये है कि यू आर शोइंग यूर बेस्ट स्ट्रेंथ और बेस्ट ऑप्शन लेकिन उन्होंने पीस और वार के मौजूद पे बात करने का तो दूर की बात है किसी भी रेफरेंस में सवाए इसके कि न्यूक्लियर जो है उसको फैलाव को रोकने के लिए या हथियारों में कमी करने के लिए कहीं अगर जिक्र आता है तो न्यूक्लियर हथियारों का आता है वार और कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से ये आप रूस और यूक्रेन को देख लें कि अगर कहीं न्यूक्लियर के हवाले से कोई स्टेटमेंट आई तो वो ये आई कि न्यूक्लियर को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कि एक पॉजिटिव बात है आप एक बार की सिचुएशन में किसी दूसरे के साथ हैं तो उसमें इस तरह की स्टेटमेंट पॉजिटिव स्टेटमेंट जब समझी जाती है तो पाकिस्तान में तो ये हर दौर में और हर वक्त में पॉलिटिशियन ने बातों धमकी इस्तेमाल किया और इंडिया पाकिस्तान पीस पीस प्रोसेस की आप जब बात कर रहे हैं तो आप ये बात नहीं करते कि आपके पास हथियार कौन कौन से हैं या आप कितने अरसे तक लड़ाई लड़ सकते हैं या आपकी मिलिटरी या दूसरी स्ट्रेंथ क्या है आपको ये बात करनी चाहिए कि पीस बर सगीर के अवाम के लिए करोड़ों लोगों के लिए क्यों जरूरी है और अगर हम पीस की तरफ बढ़ेंगे तो उसमें हम दोनों मुल्कों के अवाम को क्या क्या फवायद हैं और ये क्यों एक ऑप्शन नहीं है पीस इज़ नॉट एन ऑप्शन पीस इज़ ए नेसेसिटी ये हमारी जिंदगी और मौत का मसला है बर सग़र के लोगों का और कोई भी कौम या मुल्क जो है वो पीस से जो दूर हटने की कोशिश करता है या हथियारों का इस्तेमाल करके तो जिसको आप पीस कायम जिस तरह का आप पीस कायम करना चाहते हैं वो पीस नहीं बल्कि उसको आप टेरर के होफ का एक कि जी हमारे साथ ठीक हो जाए वरना हम हथियार इस्तेमाल करेंगे तो इससे ज्यादा इसमें मुझे कोई बड़ी लॉजिक जो है वो नजर नहीं आती ठीक है सर आखिर सवाल मेरा आपसे क्योंकि टॉपिक ऐसा है इसके एंगल्स हैं। ये हम जब ये बात करें जैसे कि ने ये बात की तो हम कह रहे हैं कि हमारे उन्होंने कहा कि जनाब देखिए हम बड़ी हमारी एंगेजमेंट है जो कि हमने देखा चाइना के साथ बड़े अच्छे हमने ताल्लुका कर लिए है पाकिस्तान में भी चले हम एंगेज करते रहे लेकिन उसका भी नतीजा लेकिन अगर हम इसको इस तरीके से लें कि हमारे जो है बाकी सबसे आ, सही है बस जो इंडिया है तो देखिए उसके साथ हमारे ताल्लुक खराब है क्योंकि वो जो है वो उसकी तरफ से है प्रॉब्लम और वगैरह तो सर हकीकत तो ये है कि हमारे किसी से भी अच्छे ताल्लुक नहीं है हमने तो अफगानिस्तान वाला मामला भी खराब कर लिया तो ये तो इसका मतलब है कि ये नहीं हम कह सकते कि बस भारत से हमारे ताल्लुकात ठीक है खराब है और बाकी सब से ठीक है हमारे तो किसी से भी ठीक नहीं है एम आई राइट नहीं प्रैक्टिकली जो चीन के साथ ताल्लुकात की बात है हुँ. वो ताल्लुकात तो एक नॉर्मल जो है वो भाईचारे या दोस्ती के ताल्लुकात नहीं है बल्कि वो वन वे किस्म के ताल्लुकात हैं जिसको क्लाइंट स्टेट कहते हैं वो डेफिनेटली उसके दो हैं एक तो चीन ये समझता है कि वो पाकिस्तान को इंडिया के ख़िलाफ़ रे प्राक्सी इस्तेमाल करता है या कर सकता है और दूसरा ये कि चीन जो है वो वन वे किस्म की इन्वेस्टमेंट और लूनिंग के ज़रिए हाई रेशो जो है वो कर्ज़े और लूनिंग करके पाकिस्तान को तो उससे चीन की जो कंपनियां हैं और जो बैंकिंग सिस्टम है वो इस्ता कर रहा है और तीसरा ये है कि ये रोड एंड बल्ट के मंसूबे चीन के दुनिया में 40-45 फाइव मुल्कों से चल रहे हैं और उनके साथ जिस तरह के तलुकत हैं उनकी मिसाल आप जो है वो श्रीलंका की दे सकते हैं कि जिस पे बहुत सारे श्रीलंकन को ऐसे ताल्लुक पे अफसोस भी है और वो एक तरह की खजालत भी महसूस कर रहे हैं तो उसको चीन को छोड़ के जो आपके नेबर हैं जिसमें इंडिया है अफ़गानिस्तान है और ईरान है उनके साथ आपके ताल्लुक जो हैं वो आपके सामने हैं उनको किसी भी तरीके से कोई खुशगवार ताल्लुक नहीं कहा जा सकता बल्कि अफ़गानिस्तान के साथ तो आप एक तरह की हालत जंग में हैं एक अनडिक्लेर्ड किस्म की वार है और पाकिस्तान में ये जो कत्लो वरी और खून खराबा हो रहा है आप ख़ुद कहते हैं कि इसके पीछे उन लोगों का हाथ है जो अफगानिस्तान में बैठे हैं और अफगानिस्तान की हुकूमत ऑफिशियली उनको प्रोटेक्ट करने और उनकी मदद करने के उससे जो है वो इनकार नहीं करती ईरान के साथ आपके ताल्लुक की नोयत जो है जिसको एक नाजायज ताल्लुक कहते हैं कि वहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर की जो है स्मगलिंग हो रही है आपके जो है वो लाखों के लोग लोगों की तादाद में रोजगार लगे हुए हैं जो ईरान के साथ स्मगलिंग में इन्वॉल्व हैं लेकिन ओपनली आप ईरान के साथ उस तरह की दोस्ती या भाईचारे या ट्रेड या इन्वेस्टमेंट या कानूनी तलुकत जो होते हैं उससे वाज तौर पे आप जो है वो कतराते हैं और बहुत पीछे हैं और उसकी वजह भी आपके जो है वो डिकटेशन हैं दूसरे मुल्कों की या वो सेक्टेरियन किस्म के झगड़े हैं जो किसी भी हुकूमत के लिए जो है वो नहीं होने चाहिए एक ईशू या कोई पैरामीटर की जिसकी बुनियाद पे आप किसी मुल्क से ताल्लक़ कायम करें तो इस हवाले से ये बात गलत है कि आपके सिर्फ इंडिया के साथ तल्लत खराब हैं और बाकी दुनिया आपको गले लगाने के लिए तैयार है ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है ये एक नया एक नैरेटिव है जो डिवेलप करने की कोशिश की जाती है कोई ग्राउंड वर्क किए बगैर ताकि आप ये पॉलिसी अपने इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप के हवाले से आप ये कर डिवेलप करें कि जी इसमें हम तो तैयार हैं लेकिन इंडिया तैयार नहीं है तो ये तो एक बहुत पुरानी स्टेटमेंट है जो लोग पचास साठ साल से सुन रहे हैं और हर दफ़ा कभी भी जब इंडिया टेबल पे आया है जैसे कि मैंने आपको मसाले दिए हैं माजी की तो उस वक्त जो है आपके ख़ुद मुल्क के अंदर से पीस प्रोसेस को डी किया गया और रवायती तौर पर वही जो रेट्रिक है और जो इंडिया सेंट्रिक और इंडोफोबिया नैरेटिव है है वो उसको रिफ्लेक्ट करता है। इससे ज्यादा कुछ नहीं जी वैसे साहब थैंक यू सो मच फॉर योर बहुत बहुत शुक्रिया आपने बहुत इन-डेप्थ एनालिसिस पेश किया हमारे पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशन के हवाले से और जो स्टेटमेंट है आपका शुक्रिया जी थैंक यू